दोस्तों, जब भी KTM का नाम आता है और KTM के साथ RC एंड ड्यूक जो इनके दो प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों के नाम आते हैं तो हमारे मन में एक फ़न एंड रेसिंग का इमेज तो आ ही जाता है। एंड KTM 200 और KTM 390 के बीच में जो वाइड स्पेस था वही फिल अप कर देता है KTM 250, जो एक बेस्ट क्वार्टर लीटर रेसिंग बाइक के हिसाब से बाइक एंथुसियास्ट एंड जो बाइक के रेस के शौकीन हैं उनके हिसाब से देखा जाता है। एंड ये आप देख कंप्लीट बाइक का लुक, एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने सेगमेंट में बहुत सारे सेगमेंट लीडिंग फीचर्स, यानी कि इस सेगमेंट में, यानी कि क्वार्टर लीटर या फिर 250 सीसी सेगमेंट में जो और बाइक्स में नहीं आते हैं, ऐसा कई सारे फीचर्स इसमें है जो कि मैं आपको आज दिखाऊंगा इसके वीडियो के थ्रू में। एंड अगर कम शब्दों में कहा जाए तो एक स्प्लिट फ्रेम, स्लीपर क्लच, बोथ साइड रेडियल टायर्स, बेस्ट इन क्लास ब्रेकिंग, क्रॉस ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि दोनों ही तरफ सामने आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ एंड पीछे राइट की तरफ डिस्क ब्रेक एंड स्लीपर क्लच, तो मैंने आपको पहले ही कहा है। तो इन सब चीज़ों के साथ ये बाइक आता है एंड फुल्ली इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि और किसी भी बाइक में आपको अवेलेबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर, मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए। तो दोस्तों, सामने भी आप देख सकते हैं LED जो इंडिकेटर्स के साथ साथ एक जो हेडलैम्प दिया हुआ है उस पर LED DRLs का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो LED DRLs है वो अंधेरे में आपको एक ज़बरदस्त लुक दे देता है विथ जो हेडलैम्प्स इसका है वो नॉर्मल हैलोजन ब्राइट हैलोजन लैम्प्स है फुल DC कनेक्शन के साथ। यहाँ पे आप देखिए तो साइड में जो बॉडी वर्क्स है, यहाँ पे 250 और KTM का जो ब्रांडिंग है ये भी बहुत बढ़िया दिखता है। इसका जो टैंक है वो भी बहुत ही मस्कुलर एक शेप टैंक है। इंडिया इसका जो मिरर्स है वो भी एक बहुत अच्छा फील्ड ऑफ व्यू दे देता है और देखने में भी बेहतरीन है। पल्सर जैसा इसमें आपको बैकलाइट स्विचेस मिल जाता है और KTM ने कोई कसर नहीं छोड़ा है इस बाइक को फुल्ली इक्विप्ड बनाने के लिए, तो इसमें कोई भी आपको कॉस्ट कटिंग नहीं मिलेगा सिवाय ABS के, जो कि बहुत ही जल्द इसमें आने वाला है। अगर इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखें दोस्तों तो ये कंप्लीट एक इंस्ट्रूमेंट कंसोल एक अपने आप में एक खुद का पैकेज है। इसमें आपको सारे जो सिग्नलिंग इंडिकेटर्स हैं वो मिल जाते हैं, एक इंजन वार्निंग लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर जो ब्लिंक कर रही है ये मिल जाता है, एंड जो डिजिटल डिस्प्ले है उसमें आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, इंजन जो टेम्परेचर उसके इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड एंड एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी, जो आपका इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है, आपका जो रेंज है एंड एक ओडोमीटर यानी कि टोटल कितना चल चुका है, लैप टाइमर और दो ट्रिप मीटर्स एंड ट्रिप F यहाँ पे आपको मिल जाता है। इंजन वार्निंग लाइट आप ऊपर देख सकते हैं, न्यूट्रल के लाइट से यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक इंफॉर्मेशन है जिसमें कि सारी चीज़ें आपको शायद याद भी नहीं रहेगा और आप हर कुछ अपने बाइक के बारे में डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। सामने आप देखिए तो इसका जो LED DRLs है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन दिख जाता है। ये भी आप देख सकते हैं इसका जो लाइट है फुल DC कनेक्शन है तो आपको फ्लिकर नहीं करेगा आपके एक्सेलरेशन के हिसाब से, और जो इंडिकेटर्स है उसका भी विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। एंड दोस्तों, ये कंप्लीट ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बना है, ड्यूल टोन ट्रेलिस फ्रेम, स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम, जिसमें ब्लैक और ऑरेंज का इस्तेमाल किया गया है। एंड द हार्ट ऑफ द इंजन, जिसमें हार्ट ऑफ द बाइक जिस जो इंजन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड FI यानी कि फ्यूल इंजेक्शन 248.8 cc का इंजन है, जिसमें स्लीपर क्लच का इस्तेमाल किया गया है एंड 6 गियर्स इसमें आता है। इसका पावर है 30 PS एंड इसका टॉर्क है 24 Nm। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइट वेट फ्रेम पर जो ट्रेलिस फ्रेम है ये बहुत ही लाइट वेट है, एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक में फिनिश्ड रेसिंग KTM का जो लोगो है इसके साथ ही आपको इंजन मिल जाता है। एंड इसका इंजन एक बहुत ही पावरफुल इंजन है जो कि आपको एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ही रेसी एंड मेरा मतलब है कि तेज़ रफ्तार वाला परफॉर्मेंस आपको दे देगा। एंड इसके साथ जो सस्पेंशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सामने आपको 43mm अपसाइड डाउन WP का सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेडिएटर दिख जाता है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, कूलेंट डालना पड़ता है आपको। एंड पीछे का जो सस्पेंशन है दोस्तों वो एक रेस इंस्पायर्ड 10-स्टेप एडजस्टेबल, हाँ दोस्तों 10-स्टेप एडजस्टेबल, जो कि और किसी भी बाइक में इस सेगमेंट में नहीं आता है, शायद इसके ऊपर के सेगमेंट में भी नहीं आता है, 10-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है। पीछे भी आप देख सकते हैं कंप्लीट LEDs, कोई भी हैलोजन का यहाँ पर लाइट आपको नहीं मिलता है, कंप्लीट LED लाइट्स आपको मिल जाता है। और स्प्लिट सीट्स है, दोनों राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही जगह बहुत है, पिलियन
को बैठने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है अगर उसका हाइट शॉर्ट हो तो। पीछे भी आप देख सकते हैं 250 का ब्रांडिंग दिया गया है। दोनों ही तरफ आपको रेडियल टायर्स मिल जाता है दोस्तों। तो टायर्स अगर देखें तो सामने आपको 110/70 का टायर मिल जाता है विथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्राइप दिया गया है रिम के ऊपर। एंड पीछे आपको 150/60 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाए। दोनों ही तरफ ट्यूबलेस और 17 इंचेस का टायर है। एंड अगर ब्रेक्स की बात करें दोस्तों तो ब्रेकिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि सामने आपको 300mm का बड़ा सा एक डिस्क विथ 4 पिस्टन कैलिपर एंड पीछे 230mm का डिस्क मिल जाता है। बाइबर के डिस्क से काफ़ी अच्छे हैं। एंड इसका जो फ्यूल इंजेक्शन है वो बॉश का है, जो कि अगेन एक बहुत ही बढ़िया आपको जो राइडिंग फील एंड इसका जो क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी इश्यूज ये रेज नहीं करता है। एंड दोस्तों अगर इसका हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस 185mm है, जो कि किसी भी रोड को टैकल करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो चेन आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल ओरिंग चेन जो हर एक बाइक में आता है वो नहीं है, एक्स रिंग चेन है, जो कि अगेन एक परफॉर्मेंस आपको देने में मदद करता है। इसका जो साइलेंसर आप देख सकते हैं दोस्तों, साइलेंसर एक 3-chamber साइलेंसर है, एक रेस इंस्पायर्ड लाइट वेट साइलेंसर जो कि लुक्स को और भी एनहांस करता है। एंड सामने अगर आप गौर किए हैं दोस्तों तो सामने का जो ब्रेक है वो नॉर्मली राइट साइड में रहता है, वो लेफ्ट साइड में है। एंड पीछे का जो ब्रेक है वो राइट साइड में है। तो क्रॉस ब्रेकिंग यानी कि राइट लेफ्ट क्रॉस ब्रेकिंग में ये आपको आपका जो बाइक का जो बैलेंस है वो बनाए रखने में मदद कर देता है। इस दोस्तों इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 13.5 लीटर से, माइलेज आपको 28 से लेकर 32-33 के बीच में मिलना चाहिए अगर आप नॉर्मल तरीके से राइड करें तो। एंड इसका जो क्रॉस ब्रेकिंग वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका वेट है, ड्राई जो वेट है वो 153 kg है। एंड जो फ्यूल देकर इसका जो वेट है वो अराउंड 161 kg है। और दोस्तों मैंने तो सारी चीज़ें आपको बता ही दिया। और अगर इसका कॉन्स के बात करें दोस्तों तो कॉन्स मुझे थोड़ा सा लगा कि इसमें अभी तक ABS नहीं है, हालांकि वो कुछ ही दिनों में आने वाला है। एंड इसका जो सीटिंग है, इसका जो सीट जो हाइट है वो 830mm है, तो थोड़ा सा जिनका हाइट बहुत कम है उनको शायद बैठने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। तो आप ज़रूर एक बार इस पर बैठ कर इसका एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। टॉप स्पीड अराउंड आपको 140 से लेकर 150 किलोमीटर्स के बीच में मिल जाएगा, डिपेंड करता है आपका रोड कैसा मिल रहा है। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता में है वो है 1,80,826 रुपीज़। इसके साथ काफ़ी सारे एक्सेसरीज अवेलेबल है, तो वो भी आप शोरूम जाके चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि टैंक स्ट्राइप्स, इसका जो काफ़ी सारे जगह पे स्टिकर्स एंड इसका जो पैड्स है, काफ़ी सारे एक्सेसरीज आपको इसके साथ मिल सकता है। तो दोस्तों थैंक यू, दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। आपका जो कॉमेंट्स है, क्वेरीज है, डाउट्स है, वो कॉमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।